नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा से आ रही है। आपको बताते चले कि सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। नवादा के सभी सफाई कर्मियों का शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। नगर परिषद के सफाई कर्मी भी शनिवार से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने की वजह से शहर में अब कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया। अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। वहीं सुबह से शहर की सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मी का कहना है कि जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मानती तब तक शहर की सफाई नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं सफाई कर्मियों ने क्या कुछ कहा। मांग हम लोग यही पूरा करना चाहते हैं। हम लोग जितना भी है नगर परिषद में काम कर रहा है लेबर समाज, हम लोग का रेट बहुत कम मिल रहा है। 200 रुपया में हम लोग का 300 रुपया में कुछ होने नहीं पा रहा है। खाने पीने में हम लोग बाल बच्चा को देखेंगे कि अपने पढ़ाएंगे कि अपने सब हम लोग कपड़ा पूरा करेंगे। और हम लोग इसी मांग के चलते पूरा कर रहे हैं कि हम लोग का पैसा बढ़ाया जाए, कम से कम 16-18 हज़ार रुपये तक ले हम लोग का किया जाए, तब लोग हम लोग का बस्तर बाल बच्चा बेटी सब बढ़िया से कमाई खा कर के जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? विजय भुइया। कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग यही कर रहे हैं ना कि हम लोग ठेकेदारी में खट रहे हैं, हम लोग का वेतन बहुत कम है। हम लोग ठेकेदारी में नहीं खटना चाहते हैं, हम लोग नगर पालिका में खटना चाहते हैं। ठीक है, बहुत वेतन हम लोग का कम मिल रहा है। क्या क्या कहना, क्या क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग का वेतन बढ़ना चाहिए बस। अरे मतलब आप ठेकेदार के तरफ काम नहीं करना चाहते? नहीं, नगर निगम को उठ के काम करना चाहते हैं। क्योंकि वो कब हट जाएगा, कब चल जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं। क्या नाम आपका? अजय।